नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लेकर आ गया मैं एक बार और नई जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दोस्तों मैं बता दूं कि 13,634 पद पर BTT टीचर का वैकेंसी बिहार में निकाला गया है। तो चलिए दोस्तों देखा जाए क्या क्या है शैक्षणिक योग्यता। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे जिस राज्य से आवेदन कर रहे हैं वह राज्य के निवासी हों। ठीक है, आवेदन भरने से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। नोट, यदि प्राप्त की गई प्रशिक्षण योग्यता यदि हो तो भरें, अन्यथा खाली छोड़ दें। जो ये BEd, BTC या DEd, JBT ये नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। फॉर्म भरिएगा, वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा जो ऑप्शन आएगा उसमें। आयु सीमा है 45 वर्ष, 21 से 45 वर्ष। आरक्षण आप सभी को पता ही है, ये बताने का ज़रूरत नहीं है। आवेदन शुल्क है 450, 250 और 50 रुपया। 450 उच्च जाति के लिए, मध्यम जाति के लिए 250, एकदम जो विकलांग होते हैं वो शारीरिक रूप से अक्षम लोग वो 50 रुपया देंगे। मानदेय है BTT का 10,500। बेसिक ट्यूशन टीचर के मानदेय का भुगतान ERDO की राज्य राष्ट्रीय स्तरीय मुख्य शाखा से सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। और आप देख सकते हैं कार्यालय ERDO T11 माह का होगा एवं किसी भी शिक्षा सत्र में 31 मई को स्वतः समाप्त हो जाएगा। बेसिक ट्यूशन टीचर 31 मई तक मान्य होगा, मतलब 1 साल का ही ये जॉब है दोस्तों। अवकाश, बेसिक ट्यूशन टीचर को वर्ष में अधिकतम 11 दिन का अवकाश दिया जाएगा बस। और प्रशिक्षण, 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में उल्लिखित हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत के योग के आधार पर अंकन करते हुए श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी तथा वरीयता क्रम में वर्ग श्रेणीवार चयन की कार्यवाही की जाएगी। गुण अंक के आगणन, प्रत्येक परीक्षा के प्रतिशत को 0.2 के 2 अंकों में पूर्णतः राउंड ऑफ किया जाएगा। देख सकते हैं बेसिक ट्यूशन टीचर अपने शिक्षण कार्य के दायित्वों का निर्वाह संबंधित ERDO केंद्रों व विद्यालयों में जिला शिक्षा नियंत्रक, ब्लॉक शिक्षा नियंत्रक ERDO के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में करेंगे। देख सकते हैं आप, इसका स्टार्टिंग डेट है 16/9 और अंतिम डेट है फॉर्म भरने का 18/10। www.erdo.in पर आप जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। इसे शेयर करना ना भूले। जय हिंद, वंदे मातरम।